कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बिल्कुल परफेक्ट ऐड करने के बाद भी हमारे सांभर का टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा नहीं आता, पर अगर आप इस रेसिपी से एक बार सांभर बनाना देख लोगे ना तो आपके सांभर का टेस्ट भी बिल्कुल होटल जैसा होने वाला है। क्योंकि कभी कभी हम सब्जियां भी परफेक्ट ऐड करते हैं, दाल भी हमारी परफेक्ट होती है, पर कभी दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है तो कभी हमारी सब्जियां बहुत ज़्यादा गल जाती है। तो इस रेसिपी से ना तो आपकी सब्जियां बहुत ज़्यादा गलने वाली है और ना ही आपकी दाल बहुत ज़्यादा गलने वाली है। सो आप रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी अरहर की दाल ली है जिसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और ये थोड़ा फूल गई है, तो अब मैं इसे यहाँ कुकर में डालूंगी। तो जो पानी है वो मुझे 5 गुना लेना है, यानी कि मेरी एक कटोरी दाल है तो मैं 5 कटोरी पानी लूँगी। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और नमक। तो नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और उसके बाद हम कुकर के ढक्कन को जो है बंद कर देंगे और मैं अपने ये कुकर की जो सीटी है उसके ऊपर तेल लगा रही हूँ ताकि जो है दाल कुकर से बाहर ना आए। और अगर आप चाहें तो आप भी तेल ऐसे लगा सकते हैं सीटी के ऊपर, क्योंकि दाल आती है तो वो पूरे किचन को गंदा कर देती है। चलिए अब कुकर के ढक्कन को खोल के देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है दाल हमारी काफ़ी हद तक बन चुकी है, कह सकते हैं 70% दाल जो हमारी बन चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं वेजिटेबल्स। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सीताफल, अरवी, भिंडी, और ये भिंडी जो कटोरी में लग गई थी मैं उन्हें भी निकाल लेती हूँ, और बीन्स और ड्रम स्टिक्स और बैंगन। तो मेरे पास जो घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी है इसमें। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सांभर मसाला। तो मैं बॉईल के टाइम पे सांभर मसाला इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो है सांभर का मसाले का जो फ्लेवर है सब्जियों के अंदर अच्छे से चला जाए। और अब मैं जो है कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसमें सिर्फ हम 1 सीटी लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो सब्जियों को है हमें घोटना नहीं है, बस थोड़ा सा गलाना है। क्योंकि खड़ी खड़ी सब्जियाँ सांभर के अंदर बहुत टेस्टी लगती है, अगर गल जाएंगी पूरी तरीके से तो वो उतना स्वाद नहीं लगेगा सांभर। तो चलिए अब कुकर खोल के देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा सांभर तैयार हो चुका है, अब इसमें रह गया है तड़का बाकी। तो इस सांभर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी गैस पर और तड़के के लिए हम यहाँ एक पैन ले लेते हैं। इस पैन में जो है मैं 1 चमचा तेल डाल देती हूँ और इतने मेरा तेल ये गर्म होगा तब तक जो है सांभर में इमली में ऐड कर देती हूँ। तो इमली मैंने थोड़ा से गर्म पानी में भिगो के रख दी थी गुनगुने पानी में। तो अब इस इमली के पानी को जो मैं ऐड कर देती हूँ सांभर में। और यहाँ पर तड़के वाले पैन में अब मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ सरसों, और जैसे ही सरसों अच्छे से स्प्लटर होगी तो मैं ऐड कर दूँगी इसमें 2 मिर्चें जो कि लाल साबुत मिर्चें हैं। फिर हम ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। जब भी आप कड़ी पत्ता ऐड करेंगे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कड़ी पत्ते में जो है पानी होता है और जैसे ही कड़ी पत्ता हम पैन में छोड़ते हैं तो बहुत सारी छींटे आती हैं। तो थोड़ा सा आप या तो पीछे हो जाइए और जैसे ही इसका छींटे आना बंद हो जाए तो, और ये चीज़ करते हुए आपको जो अपनी गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। और अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के हम इसे अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद जो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा कटा हुआ प्याज। और प्याज को हम करीब करीब 1.5 मिनट तक भूनेंगे। 1.5 मिनट भूनने के बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच सांभर मसाला। सांभर मसाला ऐड करने के बाद हम प्याज को सांभर मसाले के साथ 1/2 मिनट तक भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर को अब हमें यहाँ अच्छे से भूनना है जिसमें हमें कम से कम 2 मिनट लगेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा चिल्ली पाउडर जिससे हमारा कलर अच्छा हो जाए, और थोड़ा सा नमक। नमक यहाँ मैं इसलिए कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो ऑलरेडी मैंने सांभर में भी नमक डाला हुआ था। टमाटर यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं और ये एक अच्छा सा पेस्ट बन चुका है, तो इस पेस्ट को हम ऐड कर देते हैं हमारे सांभर के अंदर। और सांभर में इसको ऐड करने के बाद करीब करीब हम 1/2 से 1 मिनट तक गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद इस पेस्ट को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सांभर के अंदर। तो यहाँ पर जो है सांभर आप देख सकते हो बनके तैयार हो चुका है, और ये दिखने में वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा हमें चाहिए होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। बाय बाय।